हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बनने वाले हैं एक कार डीलर। जी हाँ, हमारा खुद का शोरूम होगा। वहाँ पर हम पहले तो सस्ते सस्ते कार्स बेचेंगे, उसके बाद थोड़े से पैसे बनने के बाद सुपर कार जैसी कार भी हम इसी वाले गेम में बेच सकते हैं। और हाँ, जितने भी माइनक्राफ्ट के वीडियोस हैं वो आएगा मेरे सेकेंड चैनल पे। और हम यहाँ पर नए नए गेम्स की जो वीडियोस हैं वो डालते रहेंगे, नए नए गेम्स ट्राई करते रहेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, जो भी चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, वहाँ नीचे ज्वाइन बटन भी है, वहाँ पर आप क्लिक करके कोई भी एक मेंबरशिप ले सकते हो। तो फिलहाल सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास मतलब क्या क्या होने वाला है, गेम कैसा है। तो सीधा चलते हैं गेम की तरफ। ओके, हम आ चुके हैं गेम में और हमारा ये शोरूम है इतना छोटा सा जो भी है। वाइल्ड स्टार्टिंग पिकअप द ट्रैश इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस। ओके, मतलब जितने भी ट्रैश है, मतलब कूड़ा कचरा जितने भी हैं वो हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा। और एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, उठा लो। ओके, यहाँ पर ऐसे करके उठाना पड़ेगा, तो मैं इसे जल्दी से उठा लेता हूँ। और ओके, तो थोड़ा सा लैग हो रहा है गेम, क्योंकि ये गेम ना अभी भी अर्ली फेज, मतलब अर्ली फेज तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा अंडर डेवलपिंग है बोल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बग्स तो इस वाले गेम में हमें देखने के लिए मिलेगा पक्का। ओके, जितने भी कचरा कूड़ा जो भी था वो तो मैंने उठा लिया। और यहाँ पर ये क्या है, ओके ये भी मतलब क्लीन करना पड़ेगा। ओके, ये भी ट्रैश में ही ये होता है, काउंट होता है, मुझे नहीं पता था ये वाला। लेकिन माउस सेंसिटिविटी भाई, ये थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है। कंट्रोल्स गेम प्ले कहाँ पर होता है, माउस सेंसिटिविटी। ओके, ये थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। ओके सेव। ओके अब हाँ, अब सही है भाई, अब सही है। थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम था, इतनी कम सेंसिटिविटी में खेल के मुझे तो आदत नहीं है। तो ओके, अब लेट्स ओपन योर ऑफिस टू गेट कस्टमाइज। यू नीड टू ओपन योर ऑफिस, यू कैन ओपन एंड क्लोज द ऑफिस बाय यूजिंग द ऑफिस डोर। ओके, ये मतलब जो अगर हम मैंने ऐसे डोर ओपन कर दिया तो वहां पर देखो लिख कह रहा है ऑफिस इज ओपन। यू नीड अ बिजनेस नेम नाउ, प्लीज ओपन द कंप्यूटर इन द ऑफिस एंड एंटर द डेकोरेशन सेक्शन टू चेंज द नेम। ओके, क्या नाम रखे वैसे, क्या नाम रखे। तो डेकोरेशन सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन, ओके साइन ऐसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन बात वही है ना कि नाम क्या रखे। A few moments later. महेश दल्ले तो हमारा जो मतलब शोरूम का नाम होने वाला है वो है महेश दल्ला ऑटो। पता नहीं मतलब ये नाम कितना सही है कितना गलत है, लेकिन हाँ। और हमारे पास डिजाइन विजाइन भी है और देख सकते हैं हम। अरे ये आई एम नूब भाई, ये चला गया यार, फिर से करना पड़ेगा, रुको मैं करके आता हूँ। ओके, हमारा मतलब जो शोरूम है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और प्लीज हो सके तो नाम इग्नोर करना, मुझे कुछ और नाम मतलब सूझा नहीं। महेश दल्ले। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, यू हैव कंप्लीट योर ऑफिस वर्क, गो टू द नेबरहुड टू बाय अ कार। इन्फॉर्मेशन, यू कैन यूज द बस स्टॉप्स फॉर फास्ट ट्रेवल, द नियरेस्ट स्टॉप इन जस्ट आउटसाइड ओके द ऑफिस। ओके, यहाँ पर ही हमारे पास बस स्टॉप है तो हम इसे यूज कर सकते हैं फास्ट ट्रैवल करने के लिए। लेकिन हाँ, टिकट प्राइस मतलब हर बार ही देना पड़ेगा शायद $10। तो नेबरहुड जाने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम चलते हैं नेबरहुड। और ओके, यहाँ पर शायद ये कार, ओके एक सेकंड रुको देखते हैं। ओके, इससे बात करना पड़ेगा, ई टू टॉक। ओके, यहाँ पर क्या क्या है ये हम देख सकते हैं कार के। ये हाई ड्यूड हाउ आर यू। ओके, ये 3,700 कितने पैसे हैं हमारे पास, कुछ 7,500 के आसपास हैं पैसे। ठीक है, लेकिन मतलब मैं शायद ट्रक तो नहीं खरीदने वाला जितना मुझे बताया। हम एक छोटी सी कार लेते हैं और उसे मतलब थोड़ा सा रिपेयर तो करना ही पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये नेबरहुड है तो ऑब्वियसली सेकेंड हैंड होगा। ये गाड़ी अच्छी लग रही है और ठीक है, मतलब यू कैन ओपन अ स्किल और विनर। कौन सा 1969 मॉडल है, बहुत चल भी चुका है तो इसका कंडीशन
मुझे तो इतना मतलब, अरे ये देखो डैमेज्ड है भाई, ये तो नहीं, कुछ अच्छा गाड़ी ढूंढना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं एक अच्छा गाड़ी ढूंढता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। One eternity later. तो गाइस मैंने बहुत ज्यादा ही मतलब इधर उधर गाड़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे एज सच मतलब कोई अच्छी वाली गाड़ी नहीं दिखी। और जो भी अच्छी गाड़ी थी ना, वो तो मतलब हमारे बजट के मतलब बहुत ज्यादा ही बाहर था। तो फिलहाल मैंने सोचा है कि यही गाड़ी लूंगा, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं अब, बहुत पुरानी मॉडल है और लुक कार ठीक है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। और तो यहाँ पर देखो एंटरप्राइज करके हम शायद ये भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, ठीक है, मतलब 2000 की कुछ गाड़ी यही है, मैं ले लूँगा और मतलब कोई ये नहीं है। और हम ले चुके हैं अपना सबसे पहला गाड़ी इस वाले गेम में। और ई टू एंटर, ओके यहाँ पर कुछ कुछ है, LMB टू ड्रॉप, ये वो, ओके आई के लिए आई करके इंजन चालू करना पड़ेगा। गाड़ी मतलब फ्यूल व्यूल तो ठीक है, देखते हैं इसमें गाड़ी में क्या है। पार्क द व्हीकल एट ऑफिस वेबसाइट, ओके 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 समझ गया मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे जाना कैसे। ओके सीट चेंज एंगल, हाँ ये सही है ना भाई, इसका तो पिकअप ही नहीं है। व्हाट भाई, बहुत स्लो जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ये गाड़ी भाई गलती हो गई यार ये गाड़ी खरीद के, इसमें तो खर्चा पानी बहुत आएगा शायद। ओके वहाँ पर है तो मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, वैसे भी क्या ही जाने वाला है। ओके शॉर्टकट लेके ऐसे तैसे करके तो मैं यहाँ पर पहुँच गया, शायद वो लोकेशन जो है वो मेरी ऑफिस की है, बिल्कुल ये मेरी ऑफिस की है। वो टुक जाती, इसका ना पिकअप बहुत कम है। और यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड रुको, उतरते कैसे हैं वैसे, उतरते कैसे हैं। ओके ई टू एग्जिट कार, अरे गाड़ी तो चालू है यार, वो रिपेयर विपेयर का है, एक सेकंड मैं शायद देख सकता हूँ देखने के लिए, एम्प्टी हैंड, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा, लाइक मतलब ई टू कार, ओके यहाँ पर, ओके ओके मैं चेक कर सकता हूँ। तो भाई डैमेज बहुत है, ये गाड़ी पेंटेड है, डर्टी है, फ्यूल भी, फ्यूल ठीक ठाक है, फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शायद अरे घुस जा यार कार में, ओके ओके अब घुस गए। तो इसे मैं रिपेयर करके देखता हूँ कि मतलब रिपेयर करके बेचने में ही शायद समझदारी है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ यहाँ पर ऑटो रिपेयर तो मुझे ऑलरेडी दिख चुकी थी, तो यहाँ पर ऐसे करके मैं रिपेयर कर सकता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुक जा भाई रुक जा, तुम अगर पहली गाड़ी में नुकसान हो गया तो भाई बहुत ये हो जाएगा। पार्क, क्या देर इज़ नो व्हीकल आई कैन रिपेयर, प्लीज़ पार्क योर व्हीकल मिडल, ओके मिडल मतलब यहाँ पर रिपेयर करना है। अरे भाई ये क्यों बार बार आ जाता है, रुको एक सेकंड को, रुको ऐसे करके पार्क करना पड़ेगा शायद, ओके शायद अब आ जाना चाहिए, ओके अब उतरो गाड़ी से और अब देखते हैं इसके पास, ओके ओके आ गया। $620 कर दो यार, रिपेयरिंग हो रहा है 0%, तब तक हम देख लेते हैं कि इधर उधर क्या है। अच्छा आप क्या कर रहे हो, अच्छा आपके पास काम धंधा नहीं है, ठीक है यार। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ क्या है, कबाड़ वबाड़ का, ओके जंक यार्ड है यहाँ पर, जंक यार्ड में ये यू हैव नो मेटल, और क्या है भाई, मेटल वेटल मिलता है क्या यहाँ पर, भाई ये मतलब मेटल कहाँ से मिलेगा अब, पता नहीं कहाँ से मेटल मिलेगा, लेकिन चलो ठीक है, मेटल कहीं से मिला तो लाके इसे बेच सकते हैं आई गेस। और क्या हमारी गाड़ी रिपेयर हो गई, लेकिन जो भी बोलो भाई डीलरशिप तो एक नंबर है मतलब नाम मस्त है डीलरशिप का, तो शायद हमारी गाड़ी रिपेयर हो गई। और मुझे इसे धुलाना भी है, कार वॉश है क्या यहाँ पर तो पेंटिंग है भाई, पेंट भी करा दें, पहली गाड़ी में पेंट वेंट करके देखते हैं। और यहाँ पर है ओके ऑटो इलेक्ट्रिक एंड ट्यूनिंग, ठीक है भाई, देखो पेंटिंग तो करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा तो दिखना चाहिए ना गाड़ी, तभी तो थोड़ा सा मतलब ये आएगा, मज़ा आएगा। अब यहाँ पर रिवर्स, ओके रिवर्स, देखो उसने हाथ कैसे ये किया है, हम भी मतलब इन रियल लाइफ ऐसे ही करते हैं बाय द वे। यार बहुत म्यूजिक, एक सेकंड रुको यार, म्यूजिक बहुत ज़्यादा है, अरे मैंने गलती से मैंने नेक्स्ट दबा दिया, रुको मतलब एग्जिट दबा दिया, अब सही से सब सही है। ओके अब थोड़ा सा अच्छा है, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा कम है अब, लेकिन भाई इस गाड़ी का तो पिकअप
लग नहीं रहा कि मतलब इतना अच्छा है भाई, मैंने गलती तो नहीं कर दी यार, मेरे को डर लग रहा है। कितने हमने लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास ये किया है शायद, खर्चा किया है। और अरे रुको भाई, इंजन भी बंद करना पड़ता है। हाँ चलो इससे बात करते हैं, ये पेंट करेगा हमारा। ओके, $300 में हम इसे पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। यार ये तो बहुत घटिया हो जाएगा, ऐसा नहीं। पार्ट्स भी ओके, ट्रंक वंक पार्ट्स क्या है, ओके पार्ट वाइज भी कर सकते हैं शायद पेंट, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन यार पार्ट्स यहाँ पर चेंज करना है इसका, क्योंकि वो डैमेज है। यार को एक काम करते हैं, पेंट करा देते हैं। पेंट भाई सबसे पहली गाड़ी है तो भाई पेंट कौन से कराएं, कौन से कराएं पेंट। रुको मैं सोच रहा हूँ गोल्डन जैसा करा देते हैं। ओके ये यहाँ पर थोड़ा सा, अरे ये तो ग्रीन हो गया यार, पर्पल करा दें। चलो पर्पल करा देते हैं भाई, पेंट हो गई। पार्ट्स व्हाट, ये क्या है अब? हेलो पार्ट्स कौन चेंज करेगा, भैंस क्या यार, पार्ट कौन चेंज करेगा अब? अच्छा पार्ट वाइज पेंट का पूछ रहा था शायद, पता नहीं क्या पूछ रहा था। लेकिन हाँ भाई पेंट तो हो चुका है। अब चलो यहाँ पर एक तो देखो, पहले तो मैं ना थोड़ा सा इधर उधर ये करना चाहूँगा, लाइक क्या बोलते हैं भाई, पीछे तो देख ले यार, पीछे मेरे को दिख नहीं रहा है। इधर उधर थोड़ा सा ट्रायल करके देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। कुछ तो मैंने देखा था राइट साइड में, ओके वहाँ पर एक फ्यूल पंप है। और बाहर के देशों में ना मतलब फ्यूल पंप जो होता है, अरे भाई ये सेंसिटिविटी फिर खत्म हो गई इसकी। ओके गाइस, गेम में कुछ बग आ गया था, जैसे मैंने बोला ना कि मतलब अर्ली एक्सेस पे है, तो मुझे फिर से कराना पड़ा काम वाम। तो ठीक है यार कोई बात नहीं, अब मैंने वहाँ पर कुछ देखा था ना, तो वहाँ पर चलते हैं पहले, और वहाँ पर शायद कार वॉश हो सकता है इसीलिए। और ठीक है भाई देखते हैं और क्या है। ओके ठीक है, मतलब यहाँ पर कार वॉश तो मुझे मिल चुका है यहाँ पर पेट्रोल पंप पे, तो शायद यहीं पे ये करना है। लेकिन भाई इसका पिकअप बहुत कम है यार, शायद गलती हो गई ये गाड़ी लेके, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, ओके चलो $50 लेगा भाई कार वॉश करने के। ठीक है गाड़ी तो वॉश हो रही है, तो यहाँ पर मैं आजू बाजू भी देख लेता हूँ कि क्या क्या है। और ओके यहाँ पर फ्यूल पंप है, लाइक यहाँ मतलब पेट्रोल डला सकते हो या फिर डीजल, जो भी गाड़ी है मतलब जो भी फ्यूल टाइप है उसके हिसाब से लगा सकते हो। और क्या हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है, ओके हाँ अब सही हुआ ना। लेकिन यार ये नहीं समझ आया मेरे को कि ये कार पैनल देखो डैमेज है, ये डैमेज कहाँ पर रिपेयर होता है ये नहीं पता मुझे। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, अब जो भी है बेच दो यार। अरे भाई 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 बहुत डर लग रहा है अब गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि देखो एक तो ना मतलब बजट ही बहुत कम है, दूसरी चीज़ भाई ये गाड़ी जो है ना भाई ये मतलब इतना स्लो जा रही है, इतना स्लो जा रही है, पिकअप इतना कम ले रही है, मेरे को लग रहा है भाई कि मतलब मैंने गलती कर दी कुछ ना कुछ। एक काम करूँ जाके एक बार और देख लूँ कि मतलब इसका बॉडी पार्ट का कहाँ पर, यहीं पर होना चाहिए भाई। इस बार ये बाजू वाले मैकेनिक के पास चलते हैं, रुक जाती अभी। ओके चलो यहाँ पर ठीक है, और उतरो गाड़ी से और जाके इससे अभी मतलब, अरे बॉडी पार्ट है तो सही भाई, ये क्या है यार, ये क्या है बॉडी पार्ट, देखो अभी तक मतलब रिपेयर ही नहीं हुआ था यहाँ पर जो दिख रहा है, ये रिपेयर ही नहीं हुआ था भाई। देखो अब हो रहा है, बैक डोर हुड ये सब पता नहीं मतलब कौन से बग से हुआ या फिर क्या हुआ। देखो अब लग रही है ना सही, वही तो मैं देखूँ, अब देखो अब सही लग रही है भाई, इतना तो भाई आइडिया है। आराम से लेके चलो ये भाई, ये कैसा ड्राइवर है, टेढ़ा ड्राइवर कहीं का। और यहाँ पर चल के इसे शायद हम बेच सकते हैं, और उससे पहले रुको भाई थोड़ा सा देख लेते हैं गाड़ी वाड़ी, मतलब आके टुकना दे हमारी गाड़ी को। पहली गाड़ी है हमारी मतलब महेश दल्ला ऑटो की। रुको अच्छा ऐसा कर दो इंजन ऑफ, और अरे नहीं ये नहीं करना था। हाँ तो कार की स्टेटस देखो, ओके फ्यूल है, बाकी सब तो ठीक है भाई, ओके सब कुछ ठीक है। शायद अब हम यहाँ पर जाके कंप्यूटर में ही जाना है। अरे अरे ये क्या यार, अच्छा ये ऐसे करके, माय बैड ठीक है। और यहाँ पर देखो यही गाड़ी है, फोटो
बाय क्लिकिंग ओके प्राइस डाल सकते हैं। रुको एक सेकेंड, अगर ऐसा है तो फोटो कैसे क्लिक करें, टैबलेट से कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट तो अपने पास है नहीं, यूज़ टैबलेट व्हाट एम्प्टी हैंड, ये क्या है, टैबलेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, हेलो तो भाई गजब भेज जाती है यार, चलो जाने तो, मतलब विदाउट फोटो ही भेज देंगे हम। चलो ये है, और यहाँ पर देखो मैंने ख़रीदा था यहाँ पर $1,897 में, और $1,353 तो खर्च हो गया, अभी कैलकुलेटर निकालते हैं। जलवा है हमारा, तो गाइस हमारा एग्जैक्ट खर्चा हुआ है ₹3,250। तो इस गाड़ी को डबल 6,000 में बेच के देखे, टाइटल भी दे सकते हैं, टाइटल महेश दल्ला की कार, महेश दल्ले पता नहीं, पुट इट ऑन सेल। चलो ये तो हो गया, अब एस्केप एस्केप। हाँ अब टाइम ये हुआ है और ऑफिस इज ओपन, कस्टमर कहाँ पर है, कस्टमर अरे ये कौन है, सर आपको गाड़ी चाहिए, बताओ आपको गाड़ी चाहिए तो मतलब हम दे सकते, पैसे दे दी इसको फालतू में, ये होमलेस था यहीं पर भाई, पहले पहले ही पैसा नहीं है यार ऊपर से भाई यार। लेकिन एक बात तो है कि मतलब वहाँ पर $50 देना पड़ता है इसके लिए, वॉशिंग के लिए, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर ये रोज़ मतलब ऐसे ये होती रहेगी ना, लाइक गंदी होती रहेगी, तो भाई नुकसान है यार $50। हाँ और कुछ तो था ना हमारे पास, मतलब यहाँ पर और क्या ऑप्शन है देखते हैं, कार मार्केट है, गैस स्टेशन है, रेड बार, ओह ये कंटेनर है, फॉर नाउ दिस इज योर रेस्टिंग प्लेस, यस इट्स नॉट आइडल, ओके। अब कार मार्केट चल के देखें, कार मार्केट में क्या क्या है वैसे, मतलब ओके यहाँ पर तो भाई कुछ नहीं है यार, ये तो मतलब स्कैम कर दिया इन लोगों ने, $10 भी गए मेरे, वाह ऑफिस ही चलो, या क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब कार मार्केट जो है वो है ही नहीं भाई, ये तो गजब बेइज्जती वाली बात हो गई। तो कोई तो आओ रे भाई, कार खरीदने, कार है, कार बिकाऊ पे है, डेढ़ सौ में कार, कोई नहीं आ रहा यार, इसे गंदी तो नहीं हो जाएगी। और क्या है वैसे, इतना ही तो है, सिटी बहुत बड़ी सिटी तो नहीं है, कंटेनर में शायद हमें रेस्ट करने के लिए कंटेनर होगा, और अब तक तो कोई आ नहीं रहा भाई, कस्टमर इन दो, अरे ये कब प्रकट हो गया भाई, तुम कब आ गए, ओके हेलो हेलो जी हेलो, वेलकम टू दी महेश दल्ला मोटर्स, जी हाँ सर, अबे साढ़े तीन हज़ार तो मैंने यहाँ पर इसमें पैसे लगा दिए हैं भैंस के, 3,250, और ये भाई इतनी कम में मांग रहा है भाई, यार लग रहा है गाइस इस गाड़ी में नुकसान हो जाएगा, नुकसान ना हो जाए बस, भगवान बचा लो यार मुझे, अब बस वेट ही कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको जब एक नया कस्टमर आएगा तब। व्हाट द हेल, एक सेकेंड, मैंने देखा ना अभी है लीडर बोर्ड, ये सब क्या है पता नहीं, डेकोरेशंस, ओके डेकोरेशंस तो ठीक है, और क्या था वैसे, अपग्रेड्स, ओके अपग्रेड, ओ ऑफिस टू, मतलब ऑफिस बड़ी बन जाएगी, लेकिन उसके लिए $2,00,000 है यहाँ पर, $7,50,000 है, टो सर्विस भी है हमारे पास, नाइस, मतलब 2,500 भाई यार, नहीं, इतनी महंगी वाली डील नहीं करनी है। और वेब पेज पे क्या है, एक गाड़ी तो बिकाऊ तो है लेकिन ओके कस्टमर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ जाता है, अभी रुको, ओके यहाँ पर हेलो जी हेलो 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 आ जाइए, आपको क्या चाहिए, ओके मतलब एक ही गाड़ी तो है, 2,741, नहीं यार ये गाड़ी मतलब घाटे में जा रही है भाई, 3,000 का तो मैंने खरीदा है, ओके ओके एक और आया, रुको, अच्छा ये औरत है, 2,000, नहीं इतने कम में नहीं बेच सकता, पहली गाड़ी नुकसान हो जाएगी हमारी, नहीं उतने कम में तो नहीं यार, ये मतलब मैंने कुछ तो गलत कर लिया इस गाड़ी में, मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो एक तो मतलब शायद डायरेक्ट लाके भेज देना था, एक काम करता हूँ मैं नेबर उड़ चलता हूँ और देखता हूँ वहाँ पर कोई और गाड़ी है तो उसे सीधा लाऊंगा, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा के ना बेच दूंगा। ओके दोस्तों हम आ चुके हैं नेबर उड में और मुझे यहाँ पर एक गाड़ी तो यहाँ पर दिखी है, वहाँ पर भी एक गाड़ी है जो मतलब हमारी बजट में आ जाए, देखते हैं अगर कुछ
कम में मिले तो ले लेंगे। $6,000 नहीं यार, इतनी महंगी गाड़ी अभी हम नहीं ले सकते, हम तो मतलब गरीब हैं। मुझे देख के लगता है कि मतलब मैं 6,000 की गाड़ी लूँगा। ओके, ये गाड़ी अच्छी लग रही है, अरे ये तो ऐसी ही ऐसी गाड़ी है ये शायद। भाई बहुत 2,200, नहीं भाई 2,200 भी महंगा ही है, क्योंकि क्योंकि देखो अभी तो वैसे भी उसी गाड़ी में ऐसे ही गाड़ी था ना, वो भी पैसा जो है वो फंस चुका है। और मुझे एक एक इस एपिसोड के लिए एक गाड़ी, भगवान एक गाड़ी, ये तो अच्छी लग रही है। ये कितने मतलब 3,000 तक किस गाड़ी को मैं दे सकता हूँ। 8 मॉडल है, 8,500 के आसपास है। नहीं भाई इतनी महंगी गाड़ी नहीं, नहीं नहीं नहीं, नक्को नक्को अभी तो नक्को भाई। और क्या है और क्या है और क्या है, देखते हैं कुछ और गाड़ी भी शायद। कस्टमर रेड इन दी ऑफिस, ओके ऑफिस चलेंगे, एक सेकंड रुक जाओ। ओके हाउस फॉर सेल कितने में है वैसे ये हाउस, अरे ये कितने में है, कितने में है ये तो बता दो। ओके यहाँ पर एक और गाड़ी है ऐसी, देखते हैं ये कितने में देगा भाई। औकात से बाहर वाली डील है यहाँ पर तो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वहाँ पर एक गाड़ी थी जो कि मतलब वो भी बहुत महंगा ही लगा मुझे। यहाँ पर से घुस के जा सकते हैं, नहीं जा सकते, चलो कोई नहीं, घूम के जाना पड़ेगा। और कस्टमर भी है, और भाई शायद ऑफिस क्लोज होने का टाइम भी हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, आज तो सीधा निकल लेते हैं यहाँ से। और बस स्टॉप कहाँ पर है हमारा, बस स्टॉप कहाँ पर है, हेलो मजाक मत करो भाई, बस स्टॉप कहाँ पर है। ओके ओके वो रहा दिख गया दिख गया, जल्दी चलते हैं। और आज का शायद दिन में एक एक कस्टमर है, उम्मीद तो है भाई, तीन तीन कस्टमर। रुको ये कितने में लेगी, अरे भाई यार ये 6,200, नहीं, बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। अच्छा एक आंटी जी आई हैं, ये कितनी दे रही है भाई, ये भी मतलब क्या ही नुकसान हो जाएगा यार। 6,000 3,000 एटलीस्ट दे दो, नहीं एक काम करते हैं भाई इसी को बेच देते हैं, नुकसान हो जाएगा, क्या ही कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास विकल्प नहीं है, लो लेके जाओ, बार्गेन का भी ऑप्शन नहीं है। अब इस तो सीधा कंटेनर जाके आज का दिन समाप्त करना पड़ेगा यहीं पे। ओके चलो कंटेनर, और कंटेनर में कैसे घुसते हैं। ओके कंटेनर है कहाँ भाई, ये मेरा घर है, वाह भाई वाह। ओके यहाँ पर है दरवाजा। ओके सुबह हो चुकी है दोस्तों, और ओके मार्केट प्लेस इज ओपन लिखा आ रहा है, ऑफिस इज डर्टी। ओके सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मार्केट प्लेस ही चलते हैं। ओ भाई थोड़ा सा ग्लिच, ऐसे मैंने बोला था भाई। यहाँ पर तो भाई महंगी महंगी कार्स हैं, ये कितने में, हमारे पास $7,100 है। $6,000 का ये बेच रहा है, ठीक है। और ओ सुप्रा MK5 है ये वाला, और जिन जिन को भाई, मेरा तो फेवरेट MK4 है, जिन $89,000। हाँ मैं कह रहा था जिन जिन को सुप्रा पसंद है वो कमेंट में भाई ज़रूर लिख देना, और मेरे को तो MK4 पसंद है, Mark IV वाली सुप्रा। $17,000 भाई यहाँ पर तो भाई बहुत महंगा महंगा मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ की कंडीशन देख के अच्छा लग रहा है। वो जो नेबरहुड में जो कंडीशन था ना उससे तो बेटर ही लग रहा है। 17,000 नहीं, औकात से बाहर, ये तो मतलब कम में मिल जानी चाहिए। एक 4,000 के आसपास दे दो, मैं ले सकता हूँ 5,000-5,500 एक ये। लेकिन बहुत चली है गाड़ी, चली तो बहुत है। और गाइस देखो डैमेज, ओके पीछे का बम्पर एक थोड़ा सा डैमेज है, और ये भाई ये कोई लैम्बो लग रही है, कॉन्टैश कुछ ऐसा कुछ नाम था ना। 4,500 भाई, नहीं अच्छा ये तो कम में मिलेगा। कितने की बेच रहे हो, $2,18,000 भैंस क्या किए। तो देखो एक तो मैंने ये देखा था, ठीक है इसका दरवाज़ा है, और क्या है इसका एक दरवाजे का प्रॉब्लम है, और बाकी तो सब कुछ सही लग ही रहा है वैसे। ये 6,000 की है मेरे को लग रहा है यार, वो एक गाड़ी लेके चलते हैं। ओ ऑडी R8 ही होता है ना ऐसे, चलो भाई इसको ही लेके चलते हैं हम E2 Talk। और क्या है, कितना बार्गेन तो हम नहीं कर सकते यार। चलो गाइस यही मतलब ले लेते हैं हम लोग, और कुछ ये नहीं है। और एक सेकंड रुको, एक बार देख लेते हैं कि कार में क्या क्या है प्रॉब्लम, लाइक कार में कुछ और रूप प्रॉब्लम है, फेंडर है, ये है, पेंटेड भी है। चलो ये मैं एक ट्राई करता हूँ, मैं एक चांस लेने वाला हूँ कि इसको ना ऐसे ऐसे के ऐसे ही बेच देंगे, देखते हैं उसमें कुछ अगर ये होता है तो। ओके ये मतलब
अच्छा तो लग रहा है, उड़ा दो क्या ऐसे? अच्छा नहीं उड़ा सकता भाई। ये देखो ये पिकअप अच्छी लग रही है, ऐसे ही जाना होता है, पता नहीं कैसे जाना है, लेकिन हाँ लग तो रहा है कि ऐसे ही इसी रास्ते से जाना है। वैसे भी कितनी बड़ी सिटी है, देखते हैं यहीं पर आगे मिल जाएगा भाई। ये कार देखो ये अभी भी मतलब मस्त चल रहा है। ओके ये शायद हमारा कंटेनर का इलाका है। अच्छा नहीं 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 ये बाहर है, ठीक है। ओके यहीं कहीं आगे वगे मिल जाना चाहिए हमारा जो क्या बोलते हैं शोरूम, महेश दल्ला ऑटो। अरे अरे ब्रेक नहीं लगती भाई इस गाड़ी की, भैंस क्या। रुको 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 इसे, नहीं 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 ब्रेक नहीं लगेगा इसको, इसको मैं ऐसे ही बेच दूंगा, ज़्यादा नहीं इसमें ना मतलब थोड़े बहुत प्रॉफिट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन हाँ बेच देंगे उसे, इसे ऐसे ही। चलो इंजन को करो ऑफ, ये ऐसे करो और यहाँ पर जाके बेच दो इसको। तो मैं कितने में लेके आया था ये सिट्रॉन ही है वैसे तो, 5.5 में लिया था, ठीक है खर्चा कुछ नहीं किया। एक काम करते हैं दोस्त, 8,000 में बेच देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर यूज्ड बाय महेश दल्ले। चलो पुट ऑन सेल और यहाँ पर ओके होम। अरे ऐसा नहीं, हाँ ऐसे थोड़ा सा मतलब मसल मेमोरी के लिए टाइम लगेगा। और मार्केट प्लेस ओपन है, ऑफिस इज डर्टी, ओके ये भी करना होगा क्या हमें? और इसको हम डाल देंगे ऐसे। स्किल पॉइंट तो दिखाई दे रहा है भाई, लेकिन यहाँ पर स्किल पॉइंट चेक कैसे करते हैं? कौन से बटन है? रुको एक सेकंड, मुझे कंट्रोल्स में देखना पड़ेगा। कंट्रोल्स ई राइट क्लिक स्किल पैनल आई, ओके आई। हमारे पास अभी तो स्किल पॉइंट है नहीं वैसे, लेकिन हाँ और क्या है ये तो मतलब चला गया, यहाँ पर बेगर जो है वो चला गया। वहाँ पर तो कुछ तो था जो मैंने नहीं देखा है अभी तक। और कस्टमर इन द ऑफिस, रुको पहले कस्टमर, भाई कस्टमर भगवान स्वरूप होते हैं इसीलिए। तो चलो क्या बात करना चाहते हो? 8,000 और कितने में? आई हैव नो प्रॉब्लम टू पेइंग दिस प्राइस, कुछ ज़्यादा तो नहीं मतलब कम में ये कर दिया ना। चलो बेच देते हैं, और हमारी दूसरी गाड़ी भी बिक चुकी है दोस्त। और कार मार्केट प्लेस ओपन था ना, वहाँ पर ऐसे ही एक और गाड़ी थी, उसे लेके आता हूँ, रुको एक सेकेंड। ओके जी हम आ चुके हैं यहाँ पर कार मार्केट प्लेस में, और मैं सोच रहा हूँ ऐसी और एक थी जो ये आंटी बेच रही थी 6,000 के आसपास, यप 6,000 के आसपास बेच रही थी। उससे पहले एक सेकंड रुको, मेरा स्किल पॉइंट अभी तक नहीं बना यार, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ स्किल अनलॉक कर लेता जिसमें मतलब हेल्प होती जिससे। तो यहाँ पर मैं बार्गेन नहीं कर सकता, शायद ये स्किल पॉइंट से करना पड़ेगा मुझे। और मैं क्या करने वाला हूँ पता है? चलो रिस्क ले लेते हैं एक के 10, एक स्किल पॉइंट तो मिल चुका है हमें, और आई दबा के स्किल पॉइंट का पता चलेगा। तो ये मतलब ये क्या है? तो गाइस इससे ना मतलब हम गाड़ी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है मतलब जो भी डर्ट वर्ट रहेगा ना वो क्लीन कर सकते हैं। और ये है, ये बार्गेन का है, मुझे लगता है बार्गेन का अनलॉक कर लेनी चाहिए। और ये किसका था? शो डिटेल्स, कोई दिक्कत नहीं, ये बाद में भी हम मतलब कर सकते हैं। इसमें फ्यूल तो थोड़ा बहुत तो है भाई, चलो गाड़ी को चालू करो। ये भी सेम ऐसी गाड़ी है शायद, लेकिन इसका पिकअप उतना अच्छा नहीं है जहाँ तक लगता है। शायद इस तरफ से थोड़ा सा रास्ता छोटा पड़ेगा, या इस तरफ से ना थोड़ा सा रास्ता कम पड़ेगा, मतलब थोड़ा कम ट्रैवल करनी पड़ेगी। नहीं बच गया भाई, गाड़ी पलट गई तो और नुकसान हो जाएगा। तो इसे भी मैं सेल में लगा देता हूँ, और देखते हैं कि आज के दिन एंड होते होते कितनी मतलब ये मिल जाएगी हमें, पैसे मिल जाएगी। और ओ भाई ड्रिफ्ट उफ्ट तो भी मारती है ये वाली गाड़ी। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इंजन ऑफ करना पड़ता है भाई, ये एक अलग मतलब दिक्कत है इस गाड़ी में। तो इसे मैं लेके आया था 6.5 के आसपास, ठीक है। अगर ये 10 में हमने बेच दिया ना तो भाई मजे आ जाएंगे मजे तो। और इसमें क्या और क्या लिखेंगे हम लोग? 10 नहीं रुको 15 दे देते हैं, 15 कर देते हैं क्या पता। और अगेन मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, देख लो भाई मैंने क्या लिखा है। अगेन यूज्ड बाई महेश दल्ला लॉन। चलो पुट इट ऑन सेल, अभी भी टाइम है वैसे, 8 बजे के आसपास क्लोज होता है सारे मतलब यहाँ पर सिटी विटी जितने भी है ना, ये क्लोज उतने टाइम में होता है। हाँ हम क्या कर रहे थे, हम ना यहाँ पर कुछ वहाँ पर कुछ तो दिखा था मुझे, वो देखने के लिए मैं जा रहा था, ठीक है वहाँ पर देख के आते हैं। लेकिन हाँ भाई एक चीज़ मैंने सीखी है इस वाले गेम में कि
जो मार्केट प्लेस है ना वहाँ पर तो ठीक है, वहाँ पर तुम मतलब अच्छे खासे गाड़ी मिलेगी, लेकिन नेबरहुड में थोड़ा सा संभाल के लेना पड़ेगा क्योंकि नुकसान हुआ था भाई वहाँ से। तो ओके, कार ऑक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर टिकट विकेट काउंटर है क्या है, मतलब सीधे जाके बैठ जाओ ऐसा है क्या? ओके सीट क्लोज्ड ऑलरेडी, ओके ठीक है, मतलब ये क्लोज है, देखते हैं ये मतलब क्या होगा, क्या कैसे होगा। ओके गाइस, मैं ना ऐसे ही घूमते हुए यहाँ पर देखने के लिए आया था, मतलब मेरे पास शायद कहीं पर कुछ मेटल वेटल मिले, तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर शायद मेटल है, तो यहाँ पर ये मैं कलेक्ट कर देता हूँ, लेकिन इसी के जो मतलब ये कूड़ेदान है ना, इसको ही बेच दूँ तो चलेगा? ऐसा ऐसा हो सकता है? ई टू टॉक, $40 मिल गए, $40। अच्छा कस्टमर आ चुके हैं, लेकिन भाई मैंने मतलब एक बहुत अच्छा स्कीम निकाल दिया यहाँ पर, उसके जो कबाड़े है वो कलेक्ट करो, उसी को बेच दो भाई, 25 दिन में पैसा डबल। मस्त प्लान है। तो एक मोहतरमा आई है, 15,000 मैंने ये किया है, और 7,500 पार्किंग का स्किल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दे रहा हूँ 9,000 में दे देते हैं, चलो जस्ट अ मिनट। नहीं यार, इतने में तो नहीं ये कर रहा है, एक सेकंड रुको, कोई और आया क्या? कोई और है भी तो नहीं। वैसे भी देखो, हम लाए थे $1,000 से भी ऊपर का प्रॉफिट है। एक चलो एक थोड़ा सा एक बार्गेन करते हैं, 8,500। नहीं, 8,300 एटलीस्ट, आई एम थिंकिंग। बिक गया भाई, 8,300 में बिक गया, तो हमारे पास एट द एंड मतलब बहुत पैसे हो गए, जो जिससे मैंने उम्मीद की नहीं थी वो मतलब उतने में बिक गई, और वो वाली कार शायद नुकसान में गई। तो गाइस, इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको ये वाला जो गेम है वो पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने चाहते हो इस वाले गेम की, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, बने रहो ऐसे ही चैनल पे। बाय बाय।